विशेष रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और भी मेरे पास बताने लायक बहुत कुछ है, पर समय की कमी है। और विश्वास आपको यह दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो सुखी समृद्ध संपन्न बनाना है, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य बनाना है, ये जो दोनों का संकल्प है उसका पूरा करने की हमारे विभाग की ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बिहार का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा, यह विश्वास मैं आपको देता हूं। आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जो बोलता हूं, जो कहता हूं, वो पत्रकार मित्रों को बोलता हूं कि आप आपके डायरी में लिख लेना, क्योंकि मैं झूठी बात कभी नहीं करता। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, यह वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। और बिहार की तस्वीर बदले, और अभी तो इथेनॉल की भी शुरुआत होगी जो मेरा प्रिय विषय है, और अब तो मैं इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां ला रहा हूं, स्कूटर ला रहा हूं, उस इथेनॉल के पंप खुलेंगे। और बिहार में मक्के से, ब्रोकन राइस से, और इसके साथ शुगर मोलाइसिस से, बीएवी मोलाइसिस से, शुगर कैन जूस से इथेनॉल बनेगा, और बिहार के किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और जवान लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी सपना निश्चित रूप से पूरा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, नीतीश कुमार जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों को, उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूं। पार्लियामेंट में मेरे जो सहयोगी है, गिरिराज जी है, अश्विनी जी है, हमारे सभी प्रकार के मंत्री है, उन सबको भी जब जब भी ये बिहार में काम आता है, सांसदगण और आप सब MLA मंत्रीगण, इनका सहयोग मिलता है, उनके प्रति भी ऋणनिर्देश व्यक्त करते हुए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया कि हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल देंगे, और मैं अक्सर इस बात पर विश्वास रखता हूं। और जो बात मैंने मुंबई में जब मंत्री था और मुझे मौका मिला मुंबई में 55 उड्डान पुल और वर्ली बांद्रा सी लिंक और मुंबई पुणे हाईवे बनाने का, तब मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने अपने सामने अपने ऑफिस में लिख के रखा है। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मेरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छे रोड बनाकर बिहार भी देश का समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, इंडस्ट्री आएगी, और ये बिहार एक देश के प्रगति समृद्ध और संपन्न राज्य में निश्चित रूप में उसका समावेश होगा। आज अनेक बड़ी बड़ी नदियां बिहार से आती है और कभी कभी बाढ़ के कारण नुकसान भी होता है। हम बिहार में 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से केवल ग्रीन फील्ड का मतलब यह होता है कि नए रोड बना रहे हैं, पुराने रोड नहीं, ग्रीन फील्ड हाईवे बना रहे हैं। और इसमें से पटना आरा बक्सर कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस में समाप्त होगा, और वहां से पटना के लिए इस रोड की कीमत है 9,000 करोड़, 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर निर्माण हो रहा है। पटना से कोइलवर तक 24 किलोमीटर का जो एलिवेटेड रोड है वो भी हमने मंजूर किया है, 4,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का DPR भी बन गया है, जुलाई में टेंडर हो जाएगा, और निश्चित रूप से मैं आगे इसके भूमि पूजन के लिए भी निश्चित रूप से आऊँगा। कोइलवर से भोजपुर तक 44 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा। भोजपुर से बक्सर तक 48 किलोमीटर का काम दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। बक्सर से हैदरिया तक, बालिया उत्तर प्रदेश तक 28 किलोमीटर का DPR दिसंबर में बन जाएगा और उसके काम की हम तुरंत शुरुआत करेंगे। यह कॉरिडोर पटना, भोजपुर, बक्सर और बालिया उत्तर प्रदेश से गुजरेगा।
आरा रिंग रोड को कैरिडोर से जोड़ने के लिए 381 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर की कनेक्टिव रोड भी हम बना रहे हैं। इससे बनने से पटना से दिल्ली आने जाने का समय आधा हो जाएगा, पटना दिल्ली से बहुत नजदीक पहुंच जाएगी, इस बात की मुझे खुशी है। दूसरा जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है वो गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बन रहा है, जो बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है वो गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। गोरखपुर बाईपास से सिलीगुड़ी तक 25,000 करोड़ की लागत से 519 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बन रहा है, जो बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी एक विकास की ऐसी भेंट होने वाला है। उसमें बिहार में 18,000 करोड़ की लागत से 419 किलोमीटर का कॉरिडोर बन रहा है। यह कॉरिडोर बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज से होकर गुजरेगा। इसका DPR मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा और मई 2023 तक इस कार्य का हम शुभारंभ करेंगे, ऐसा विश्वास आपको देता हूँ। तीसरा जो कॉरिडोर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण, वाराणसी से कलकत्ता, ये भी ग्रीनफील्ड है। वाराणसी से कलकत्ता तक 30,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा। और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, झारखंड होकर पश्चिम बंगाल तक जाएगा। इसका DPR दिसंबर 22 तक पूरा होगा और निश्चित रूप से फरवरी मार्च तक हम इसको भी जल्दी इसका काम शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ अमस से दरभंगा, ये चौथा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बिहार में बन रहा है। ये अमस से दरभंगा तक 7,800 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह कॉरिडोर औरंगाबाद के मदनपुर से आरंभ होकर गया एयरपोर्ट के बगल से गुजरता हुआ जहानाबाद, पटना में यह एक्सप्रेसवे कच्ची दरगाह पे मिलेगा। इसके बाद नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर होकर दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़ता हुआ नेपाल सीमा पर जयनगर तक जाएगा। यह एक्सप्रेसवे बनने से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जाएगा और उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम 4 पैकेज में हम कर रहे हैं। पहला अमस से शिवरामपुर, दूसरा शिवरामपुर से कल्याणपुर, तीसरा कल्याणपुर से पाल दशहरा, ये अवार्ड हो गया है, और चौथा पाल दशहरा से बेल नवादा तक 42 किलोमीटर इसका टेंडर हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है ग्रीनफील्ड, वो पटना आरा सासाराम। ये पटना से सासाराम 4,000 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा और इस कॉरिडोर का DPR भी बन गया है, दिसंबर 2022 तक बन जाएगा। और आरा के पास सोन नदी पर 3 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का भी निर्माण कराया जाएगा। यह कॉरिडोर पटना आरा रोहतास से होकर सासाराम तक बनेगा। पटना से छठवा जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है वो पटना से बेतिया तक है, वो भी 7,000 करोड़ का है, 165 किलोमीटर 4 लेन, इसका भी दिसंबर 2022 में DPR होगा। ये कॉरिडोर सारण जिले के दरियाराज में गंडक नदी पर 2 किलोमीटर का 4 लेन ब्रिज का इसमें निर्माण कराया जाएगा। दीघा में गंगा नदी पर 4 किलोमीटर का 6 लेन ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सातवां जो है बाकरपुर से डुमरिया, ये भी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है। सारण जिले के बाकरपुर से पूर्वी चंपारण से डुमरिया तक 2,200 करोड़ की लागत से 92 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका DPR बन गया है, भूमि अधिकृत हो रही है और मार्च 2023 में इसके टेंडर हो जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है वो रविशंकर प्रसाद जी बार बार इसके लिए मुझे मिलते थे, वो ग्रीनफील्ड पटना का रिंग रोड।